हेलो एवरीवन, कई ऐसे पेशेंट रहते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मुझे भूख नहीं लग रही है। तो भूख न लगने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। कई बार ऐसा रहता है कि आपका पेट सही से साफ नहीं होता है, जिसके कारण से आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो भूख को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए आज मैं आपको दो होम्योपैथिक सिरप बताने वाली हूँ। ये दोनों सिरप आप यूज़ करके अपनी भूख को प्रॉपर मात्रा में बढ़ा सकते हैं। जितनी भूख लगती है उतनी भूख आपको बिल्कुल लगेगी और आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा, जिससे आप एकदम हेल्दी रहेंगे। जब किसी भी पेशेंट को भूख नहीं लगती तो उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे उसका पेट एकदम भारी भारी सा लगता है, उल्टी जैसे लगता है, जी बहुत ज़्यादा मचलाता है और एकदम पेट में कई बार दर्द रहता है, या फिर उनका मोशन सही से पास नहीं होता है, मतलब पेट सही से साफ नहीं होता है। मोशन करने जाते हैं लेकिन मोशन सही से नहीं होता है, और किसी तरह से मोशन हो भी जाए तो उनको ऐसा लगता है कि इनको फिर से मोशन के लिए जाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेट को साफ करना, जिससे आपको भूख लगेगी। कई बार ऐसा रहता है कि आपका लीवर सही से फंक्शन नहीं करता है, जिसके कारण से आपको भूख सही से नहीं लगती है। आपको हमेशा ऐसा फील होता है कि आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है और आपको अब कुछ नहीं खाना है। आपका खाना देख के पेट ऑटोमेटिक भर जाता है। एक रोटी खाते हैं या आधी रोटी खाते हैं लेकिन वो भी सही से नहीं खा पाते हैं। खाने को देखते ही साथ आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे ये खाना बिल्कुल नहीं खाना है। तो ऐसे पेशेंट के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा सिरप बताने वाली हूँ। चाहे आप एडल्ट हो या बच्चे हो या फिर आप ओल्ड पर्सन हो, बिल्कुल आप सिरप को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिरप है। बच्चों को अधिकतर आपने देखा होगा कि कंप्लेन करते कि मुझे भूख नहीं लगी, उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है कि बच्चा ये खाना खा ले, लेकिन बच्चे खाना नहीं खाते हैं। बच्चे भी इस सिरप को बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। कुछ एडल्ट पर्सन रहते हैं जिनको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, उनका हमेशा उनका पेट भरा भरा सा महसूस होता है, और ऐसे पेशेंट जिनको पाइल्स हो जाता है या जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है या पुराना कब्ज है, तो उनको भी बिल्कुल भूख नहीं लगती है, या फिर आपको कोई अन्य डिसीज़ है तो भी आपको भूख बिल्कुल नहीं लगती है, बिल्कुल आप इस सिरप को यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जो ओल्ड पेशेंट रहते हैं तो उनका बॉडी का फंक्शन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। जो बुजुर्ग पेशेंट रहते हैं ज़्यादा चलना फिरना नहीं करते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, जिसके कारण उनका खाना सही से नहीं पचता है। तो ऐसे पेशेंट के लिए भी आज मैं सिरप बताने वाली हूँ। इस सिरप का नाम है लिफ्टी सिरप, SBL कंपनी का है। बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। लिफ्टी सिरप आपकी भूख को बढ़ाने में हेल्प करेगा, जिससे आपको भूख अच्छी लगे। आपके पूरे पेट को साफ करने में ये जो सिरप है हेल्प करेगा, साथ में आपका लीवर का फंक्शन एक्टिव होगा, जिससे आपका खाना सही से पचेगा और आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। अल्फा अल्फा सिरप बहुत ही इफेक्टिव सिरप है, ये भी SBL कंपनी का है। और इस सिरप को आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन्स की मिनरल्स की कमी दूर होगी और आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस सिरप को यूज़ करने से। आप लिफ्टी सिरप यूज़ करते हैं तो सुबह शाम दो दो ढक्कन यूज़ करना है, कंटिन्यूस करना है। एडल्ट और ओल्ड पेशेंट बच्चे हैं तो बच्चों को एक एक ढक्कन यूज़ करना है, मतलब 5 ml यूज़ करना है या फिर एक एक स्पून यूज़ करना है, कंटिन्यूस करना है। इसी तरह से आप अल्फा अल्फा सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह शाम दो दो चम्मच यूज़ करना है एडल्ट और ओल्ड पेशेंट को, और बच्चे हैं तो एक एक चम्मच यूज़ करना है सुबह शाम कंटिन्यू, जिससे आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। आपका खाना देख के पेट भर जाता है तो आपका ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों सिरप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। होम्योपैथिक सिरप है लिफ्टी एंड अल्फा अल्फा सिरप, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों सिरप यूज़ करने से आपको कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।